और आजकल जो टिपरा का प्रेजेंट सिचुएशन, ये प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर मैंने टीपीएस की नया पार्टी शुरुआत किया, नंबर वन। नंबर टू, टिपरा बीजेपी बांग्लादेश बीजेपी बनाने के लिए जो कुछ जारी रहा, इसको मैंने सेंट्रल को एक मैसेज दिया, अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अगर पर अगर जनता पार्टी का कोई इशू को बताना चाहते तो बीजेपी में कुछ बांग्लादेशी सेंटिमेंट लेकर भारतीय जनता पार्टी के बांग्लादेशी जनता पार्टी जो बनाने का कोशिश कर रही है, इसका मैंने मेन ऑब्जेक्शन किया, नंबर वन। नंबर टू, मुझे जो सोशल मीडिया में सारा नेशनल मीडिया में पटल कोंडा को एक्सपेल किया गया कहकर पूरा इंडिया में अक्रॉस द कंट्री जो अपमानित किया, प्रेस मीडिया में डिक्लेयर किया, इसको मैंने दिल्ली में जाकर मांगा है ऑफिशियल, मुझे एक्सपेल्शन लेटर दो। अगर औकात है, त्रिपुरा औकात नहीं है, मुझे एक्सपेल्शन लेटर ऑफिशियल लेटर इशू करना। भारत विकसित सपना दिखाने वाला मेरा ऑफिस तक, मेरा घर तक ये लेटर पहुंचने के लिए कौन सा बुलेट ट्रेन चाहिए? इसलिए मैंने दिल्ली तक जाकर मैंने, अगर मुझे एक्सपेल किया गया तो मुझे ऑफिशियल लेटर दो, क्यों नहीं दे पा रही है? और नंबर थ्री, यहाँ पे जितने भी बीजेपी का कार्यकर्ता जो बापाती को बीजेपी के इज्जत को मिट्टी में मिला रही है, इसका मैंने अपोज किया। और आने वाला दिन में त्रिपुरा में अगर बीजेपी रहना चाहते, मैं कह सकती हूँ मैं वो एक आदिवासी का महिला सिंगल बीजेपी का साथ खड़े हुए, लेकिन मेरा साथ जो बेईमान किया है, नारी शक्ति सम्मान की बात करने वाला बीजेपी पार्टी एक महिला आदिवासी बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट नेतृत्व को अपमानित करके, इसको पार्टी से एक्सपेल करके, नाटकी करके, ड्रामा करके जो कर रही है, इसको मैं एक एनसीबी नहीं मानने वाला हूँ। अगर ये सही है तो जल्दी ऑफिशियल मैं सेंट्रल को मांग रही हूँ, अभी त्रिपुरा बीजेपी तो जिंदालास है, मैं बार बार कह रही हूँ त्रिपुरा बीजेपी जिंदालास है, क्योंकि जिंदालास है। हम लोग अल्टीमेटम दिया था थ्री डेज के अंदर में अगर सही है तो ऑफिशियल एक्सपेंशन लेटर देना भी दे पा रही हो, अगर गलत है तो क्षमा मांगना, क्षमा भी नहीं मांग पा रही हो। तो अगर आने वाला दिन में ये बात को लेकर अगर कोई भी बात करना चाहते, तो पहले जेस का आदेश है, जिनों का आदेश है, ये एक्सपेंशन लेटर के दुनिया भर नौतंक कर रही हो, प्रेसिडेंट और स्टेट जनरल सेक्रेटरी को एक्सपेल करना होगा, सस्पेंड करना होगा। और अगर नहीं किया तो मेरा भी नया कदम उठा रही हो त्रिपुरा पीपल सोशलिस्ट पार्टी, और जितना भी बीजेपी का पार्टी है, मेरा जितना भी टीम को हटाया गया, इन लोगों कहाँ जाएगा? इन लोगों की तो पार्टी का प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, इसलिए मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म बनाया। मैं इंतजार करते रहा ऑफिशियली सेंट्रल लीडर का गाइडेंस से, बीजेपी त्रिपुरा का औकात नहीं है, तो सेंट्रल को मैंने कह रही हो जल्द जल्द से मुझे ऑफिशियल कर दो। अगर दे नहीं सकते तो पता चल गया, सारा दुनिया पता चल गया, बीजेपी का ऐसा कोई औकात नहीं है, जो काम बात से करता है वो काम से नहीं लगता है, बात करते हैं कुछ, काम करते हैं और दूसरा। तो ऐसा त्रिपुरा श्रेष्ठ बनाना वाला, श्रेष्ठ सपना देखना वाला, सर्वभ्रष्ट बनाना जारी हो त्रिपुरा में बीजेपी लोग। तो इसलिए मैं कह रही हूँ त्रिपुरा का बीजेपी जो नेहरू सेंटर में लेकर पार्टी का काम कर रही है, और नेहरू सेंटर में लेकर जनजाति का साथ जो पार्सिलिटी काम कर रही है, और जो जनजाति को साथ लेकर रावल सिस्टम बनाकर वहाँ पे बैठा के रखा, अपना ग्रुप लॉबी बनाकर, टीम लॉबी बनाकर, ये बीजेपी का कोर इशू नहीं है, बीजेपी का आइडियोलॉजी नहीं है, बीजेपी का कोर इशू कोर आइडियोलॉजी इलीगल इंट्रोड्यूस से देश को रक्षा करना, निरापत्ता को रक्षा करना। लेकिन आज का त्रिपुरा में जितना भी बड़ा बड़ा नेता हो, कैबिनेट में हो, असेंबली में हो, मंत्री हो, एमएलए हो, कोई भी एक भी इलीगल इंट्रोड्यूस के बारे में, विदेशी जो इंट्रोड्यूस है, अनुप्रवेश है, इसके बारे में कि कोई कहने वाला नहीं है। असम कह सकते हैं, असम के सीएम, त्रिपुरा का सीएम क्यों नहीं कह सकते? झारखंड में जाकर प्राइम मिनिस्टर भाषण दे सकते हैं, त्रिपुरा में आकर क्यों नहीं कह सकते? और त्रिपुरा में जनजाति जो इनोसेंट पीपल, इन लोगों को लेकर जो पॉलिटिक्स गेम खेल रही है, प्रदोत के नेतृत्व में जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर, जो नकली सर्टिफिकेट लेकर पूर्वती प्रशासन में फर्जी एसटी सर्टिफिकेट बुक कर रही है, ऑक्युपाई कर रहे हैं, इसको भी मैं स्ट्रांगली कदम करते हो, आज भी करेंगे, बाद में भी करेंगी। और इसी तरह पार्टी को जिस तरह से जनजाति का सेंटिमेंट को नेग्लेक्ट करके पार्टी चला रही है, ये पार्टी का कोई इशू नहीं है। इसलिए मैं ये बीजेपी अगर, त्रिपुरा बीजेपी अगर जिंदा रहना चाहते है तो पार्टी का कोर आदर्श में चलना चाहिए। मैंने ये सेंट्रल को इसलिए मैंने दिल्ली में जाकर मांगा, अरे त्रिपुरा में एक्सपेल किया
notice Sara, notice Sara India, Times of India, The Hindus, India Today, Sara national media में expel किया गया anti-party activities किया. बोलो ना मैं क्या anti-party activities किया? जिस व्यक्ति ने अभी तो 20 month हुआ, आज कितना हुआ? 10 मार्च पिछले साल में मैंने ज्वाइन किया टीआरपीसी. अभी 20 मंथ हो रहा है, 20 महीना हो रहा है विदाउट सैलरी, विदाउट ऑनरियम. मैं अपने लोगों का त्रिपुरा को उन्नति के लिए, सरकार को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने बिना सैलरी में बिना ऑनरियम में काम कर रही हूँ. और इसमें ही सहने पा रही है पार्टी प्रेसिडेंट ऑर्डर दिया है, एक बारी वेतन नहीं मिला, सब लोग वेतन नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट, मेरा गवर्नमेंट ही. और 7 तारीख को आंदोलन करे विद पार्टी फ्लैग. ऐसा दुनिया में कहा देखा है? अपना सरकार के अंदर में अपना नेतृत्व के विरुद्ध में पार्टी में आकर सर्विस रूल ब्रेक करके पार्टी का प्रेसिडेंट का आदेश में ऑफिस में विद इन 7 डेज में हंगामा करना, पार्टी फ्लैग लेकर, किसने सिखाया ये कौन सा पार्टी का रोल है? ये प्रेसिडेंट का आदेश हुआ, वो पूरा अपना सोशल मीडिया में अपना मीडिया में तो सब देख चुका. तो ये बीजेपी एक संगठन के ऊपर निर्भर करती है, व्यक्ति विशेष प्रायोरिटी करके नहीं करता है. लेकिन त्रिपुरा में मैं देख रही हूँ कुछ व्यक्ति बांग्लादेशी सेंटीमेंट लेकर पार्टी को पूरा डिस्ट्रक्ट करने के लिए जो बेहद रहे हैं आज. इसलिए मैंने सोशल मीडिया में मुझे कहकर गए है ना, मैं भी सोशल मीडिया में कह रही हूँ अगर सही है तो दे दो मुझे अवकाश है तो दो एक्सपेलेटर. मैं अपना मीडिया में तो सब देख चुका. तो ये बीजेपी एक संगठन के ऊपर निर्भर करती है, व्यक्ति विशेष प्रायोरिटी करके नहीं करता है. लेकिन त्रिपुरा में मैं देख रही हूँ कुछ व्यक्ति बांग्लादेशी सेंटीमेंट लेकर पार्टी को पूरा डिस्ट्रक्ट करने के लिए जो बेहद रहे हैं आज. इसलिए मैंने सोशल मीडिया में मुझे कहकर गए है ना, मैं भी सोशल मीडिया में कह रही हूँ अगर सही है तो दे दो मुझे अवकाश है तो दो एक्सपेलेटर. इसलिए मैं त्रिपुरा वासियों को कह रही हूँ, त्रिपुरा में जितना भी जनजाति का सेंटीमेंट लेकर पॉलिटिक्स में वोट बैंक खेलती हूँ, ये प्रदूत के साथ खेल सकती हूँ, पटालकना के साथ भी खेल सकती है. इसलिए प्रदूत ने जो जनजाति को मिस गाइड करके त्रिपुरा से एक और कौन सा त्रिपुरा से एक हुआ, किसका साथ त्रिपुरा से बात हुआ, वो एक में कौन कौन त्रिपुरा से साइन किया बताओ, त्रिपुरा से का क्या क्या इशू है. ऐसा नौतन की करके ये त्रिपुरा बीजेपी सरकार इनोसेंट पीपल, प्रदूत इनोसेंट पीपल को पॉलिटिकल गुलाम बना रही है, पोस्ट पोजीशन पैसा देकर. पातालकना को पोस्ट पोजीशन पैसा नहीं देना पड़ती हूँ, पैसा पोस्ट पोजीशन के लिए पातालकना नहीं आया, देखा है पोस्ट पोजीशन के लिए मैंने आया. बीजेपी से आने से पहले भी मैंने 2014 से टीपीएफ को चलाया, कोई पैसा है कोई पोस्ट है पोजीशन है. सुप्रीम कोर्ट में 3-3 केस है, एनआरसी सीएए पीए के अगेंस्ट में केस है. तो अब ये त्रिपुरा पीपल जाग चुका है, ये त्रिपुरा में पोस्ट बांग्लादेशी सेंटीमेंट लेकर बीजेपी को पूरा नष्ट करना जा रही है. और जो रियल बीजेपी है वहाँ पे भी बहुत बीजेपी कार्यकर्ता अच्छा कार्यकर्ता है, मैं सब बीजेपी को नहीं कह रही है, लेकिन जो अभी बीजेपी चला रहे हैं ये लोग बांग्लादेशी सेंटीमेंट लेकर चला रही हो और बांग्लादेशी जनता पार्टी बनाने का कोशिश कर रही हो, उसको मैं स्ट्रॉन्गली कंडेम करते अगेंस्ट करते हो. और ये त्रिपुरा में ऐसा बचलना वाला अभी सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे धर्म का लड़ाई करने के लिए कभी कभी देखता है एसटी को क्रिश्चियन होते है तो काट देगा. किसने अधिकार है किसने अधिकार दिया है? भारत के संविधान में कोई लिखा है कास्ट और रिलीजियस? अगर एसटी होना है तो इसको हिंदू होना पड़ेगा, एसटी का कोई हिंदू धर्म नहीं है, एसटी अपना खुद फेथ एंड रिलीजियस है, इसको हम लोग हबुमा तिबुमा हथाईमा खुलुमा कहती है. तो ऐसा यहाँ पे जो बीजेपी टीम है, त्रिपुरा का जो बीजेपी टीम है सबसे लोएस्ट लेवल का बीजेपी टीम बनना जा रही है, इसलिए मैं इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करता है. और इसके वजह से त्रिपुरा बीजेपी मुझे एक्सपेल किया गया, मैं जानती हूँ मेरे खिलाफ में ये लोग बहुत प्रॉब्लम है. मेरा डिपार्टमेंट में जितना भी जो मैंने फाइल भेजा है सीएम का पास, एक भी वापस नहीं आया, एक एक फाइल को 3-4 बार रिमंडालय तक देना पड़ती हूँ फिर भी नहीं आया. क्यों? तो कैसा डेवलपमेंट होगा? काम करने के लिए मुझे बैठा दिया लेकिन काम क्यों नहीं दिया? तो ऐसा तरह जिंदा लाश सरकार में रहते तो सोशल मीडिया में कह रही हो अगर सही है तो दे दो मुझे अवकाश है तो दो एक्सपेलेटर. मैं अपना मीडिया में तो सब देख चुका. तो ये बीजेपी एक संगठन के ऊपर निर्भर करती है, व्यक्ति विशेष प्रायोरिटी करके नहीं करता है. लेकिन त्रिपुरा में मैं देख रही हूँ कुछ व्यक्ति बांग्लादेशी सेंटीमेंट लेकर पार्टी को पूरा डिस्ट्रक्ट करने के लिए जो बेहद रहे हैं आज. इसलिए मैंने
सोशल मीडिया में मुझे कहकर गए है ना, मैं भी सोशल मीडिया में कह रही हूँ, अगर सही है तो दे दो मुझे अवकाश है तो दो एक्सपेलेटर। इसलिए मैं त्रिपुरा वासियों को कह रही हूँ, त्रिपुरा में जितना भी जनजाति का सेंटीमेंट लेकर पॉलिटिक्स में वोट बैंक खेलती हूँ, ये प्रदूत के साथ खेल सकती हूँ, पटाल कला के साथ भी खेल सकती है। इसलिए प्रदूत ने जो जनजाति को मिस गाइड करके त्रिपुरा से एक और कौन सा त्रिपुरा से एक हुआ, किसका साथ त्रिपुरा से बात हुआ, वो एकॉर्ड में कौन कौन त्रिपुरा से साइन किया बताओ, त्रिपुरा से क्या क्या इशू है, ऐसा नौतंग की करके ये त्रिपुरा बीजेपी सरकार इनोसेंट पीपल प्रदूत इनोसेंट पीपल को पॉलिटिकल गुलाम बना रही है, पोस्ट पोजीशन पैसा देकर। पाताल कन्या को पोस्ट पोजीशन पैसा नहीं देना पड़ती हूँ, पैसा पोस्ट पोजीशन के लिए पाताल कन्या से पहले भी मेरे 2014 से टीपीएफ को चलाया, कोई पैसा है कोई पोस्ट है पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट में तीन केस है एनआरसी सीएए पीए के अगेंस्ट में केस है। तो अब ये त्रिपुरा पीपल जाग चुका है, ये त्रिपुरा में पोस्ट बांग्लादेशी सेंटीमेंट लेकर बीजेपी को पूरा नष्ट करना जा रही है, और जो रियल बीजेपी है वहाँ पे भी बहुत बीजेपी कार्यकर्ता अच्छा कार्यकर्ता है, मैं सब बीजेपी को नहीं कह रही है, लेकिन जो अभी बीजेपी चला रहे हैं ये लोग बांग्लादेशी सेंटीमेंट लेकर चला रही हो और बांग्लादेशी जनता पार्टी बनाने का कोशिश कर रही हूँ, उसको मैं स्ट्रॉन्गली कंडेम करते अगेंस्ट करते हो, और एक त्रिपुरा में ऐसा बचलना वाला अभी सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे धर्म का लड़ाई करने के लिए कभी कभी देखता है एसटी को क्रिश्चियन होते है तो काट जाएगा, किसका अधिकार है किसने अधिकार दिया है, भारत के संविधान में कोई लिखा है कास्ट और रिलीजियस, अगर एसटी होना है तो इसको हिंदू होना पड़ेगा, एसटी का कोई हिंदू धर्म नहीं है, एसटी अपना खुद फेथ एंड रिलीजियस है, इसको हम लोग हबुमा तिबुमा हथाईमा खुनुमा कहती है। तो ऐसा यहाँ पे जो बीजेपी टीम है त्रिपुरा का जो बीजेपी टीम है सबसे लोएस्ट लेवल का बीजेपी टीम बनना चाह रही है, इसलिए मैं इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, और इसके वजह से त्रिपुरा बीजेपी मुझे एक्सपेल किया गया, मैं जानती हूँ मेरे खिलाफ में ये लोग बहुत प्रॉब्लम है, मेरा डिपार्टमेंट में जितना भी जो मैंने फाइल भेजा है सीएम का पास एमपी वापस नहीं आया, एक एक फाइल को 3-4 बार रिमांड लेकर देना पड़ती हूँ, फिर भी नहीं आया, क्यों? तो कैसा डेवलपमेंट होगा, काम करने के लिए मुझे बैठा दिया लेकिन काम क्यों नहीं दिया, तो ऐसा तरह जिंदा लाश सरकार में रहकर कुछ फायदा नहीं है। सबके धन्यवाद, नमस्कार, आज के